हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आश्रम व्यवस्था के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो गाइस, पहले जानते हैं आश्रम व्यवस्था क्या है। तो आश्रम व्यवस्था जहाँ पे एक इंसान, एक मानव का जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको व्यवस्थित करने के इसमें चार तरीके हैं, चार व्यवस्था है। पहला होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, एंड उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है, एंड नेक्स्ट है जो संन्यास आश्रम है। तो पहले जो इंसान का जो लाइफ था उसे फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था एज के हिसाब से। अगर आप 0 से लेकर 25 के हैं तो आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, एंड 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में रहना है, 50 से 75 आपको वानप्रस्थ आश्रम में रहना है, 75 से 100 लास्ट जो आश्रम है संन्यास आश्रम में आपको रहना होता है। तो आश्रम व्यवस्था के जो ये नियम बनाया गया है तो उसकी क्या विशेषताएँ, क्या इम्पॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट जो इसका जो है, फर्स्ट जो कैटेगरी है ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस व्यवस्था में क्या होता है ना, जब एक बालक जब इसमें इन करता है तो समस्त सांसारिक जो भी आकर्षण होता है ना, उसे उसे दूर रहकर गुरु के आश्रम में इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखकर ज्ञानार्जन करना पड़ता है, यानी नॉलेज गेन करना पड़ता है। एंड इसके बाद फिर वो इन करता है गृहस्थ आश्रम में, जहाँ पे बहुत सारे अपने ऋण, अपने कर्ज को उसे चुकाना पड़ता है, जैसे देव ऋण यानी भगवान का, ऋषि का जिसने उसे ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, उसके बाद माँ बाप का ऋण, सृजन के लिए यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इसे के घर में पुत्र के रूप में व्यक्ति स्वयं उत्पन्न होने के लिए प्रेरित होता है। आश्रम का मतलब है प्रयास करना, हमेशा कोशिश करते रहना, एक्सैक्ट मीनिंग यही होता है, जिसमें मनुष्य प्रयास करता रहता है, जिससे मनुष्य प्रशिक्षण प्राप्त करता है, प्रयास करता रहता है। इसके लिए इसके चार भागों में विभाजित किया गया है जो मैंने आपको बताया, और अंतिम लक्ष्य जो होता है मोक्ष को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होता है, जिसके लिए लोग प्रयास करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आश्रम जो व्यवस्था है एक लक्ष्य को प्राप्ति करने का एक माध्यम होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करने का एक ये माध्यम है। तीन व्यवस्था पे चलकर ही हम संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्रम व्यवस्था में ही बालकों को महान और कर्म निष्ठ बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आज ये आश्रम व्यवस्था स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। आप देखेंगे कि स्कूल में बच्चों को हर तरह के एक्टिविटीज उसे सिखाया जाता है। आश्रम व्यवस्था हिंदू जीवन का वह क्रमबद्ध इतिहास है जिसका कि उद्देश्य जीवन यात्रा को विभिन्न स्तरों में बांटकर प्रत्येक स्तर पर मनुष्य को कुछ समय तक रखकर उसे इस भांति तैयार करना है कि वह जगत की वास्तविकताओं और प्रयास में क्रियात्मक जीवन की अनिवार्यताओं को समझे, उसे गुजरे और गुजरता हुआ अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का परम और चरम लक्ष्य या उद्देश्य माना जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस किए कि आश्रम व्यवस्था की क्या क्या प्रमुख विशेषताएँ थे। फिर मिलते हैं वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।